सो फ्रेंड, अगर आप भी कुछ इस वगैरह रक्षाबंधन का बैनर डिजाइनिंग करना चाहते हैं सो इस वीडियो का अंत में रहेगा। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे संध्या का वीडियो क्लासेस में। चलिए मैडम, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब एंड घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो दोस्तों, चलिए मैडम, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार बैनर डिजाइनिंग करने के लिए आपको आपको कुछ टेम्पलेट का आवश्यकता पड़ेगा, जो हमारे फर्स्ट चैनल कुंदन एट टेक्निकल के कम्युनिटी पोस्ट में जब जाइएगा वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं, हमने जितना बैनर डिजाइनिंग करने के लिए टेम्पलेट चाहिए पूरा हमने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके और यहाँ से आप बैनर को डिजाइनिंग कर सकते हैं। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मोबाइल टिप्स रिलेटेड वीडियो इसमें मिलती रहती है। सो चलिए मैडम, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बैनर डिजाइनिंग करने के लिए इसको हम कट कर दे रहे हैं ताकि हम आपको बैनर बनाकर दिखा सकें। सबसे पहले कंट्रोल एन करेंगे और यहाँ से 8x10 के पेज लेकर इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ सबसे पहले इसके पेज में हमको कलर डालना है। कलर के लिए यहाँ से और कलर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको जो कलर करना है यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लीजिए, इसको तो ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद कुछ इतना बड़ा इसको ड्रॉप कर, उसके बाद आपको शेप पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, और गोला वाले शेप को क्लिक कर लेना है। यहाँ से कुछ इतना बड़ा इसको शेप को ड्रॉप कर लेना है। करने के बाद मूव टूल पे क्लिक कीजिए और इसको सेटअप कर लीजिए ताकि कितने में आपको एडजस्ट करना है और सेटअप करना है। उसको कंट्रोल टी पर करके इसको हम थोड़ा ऊपर में सेट कर दे रहे हैं। सब यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कुछ इतना भी इसको सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। उसका नीचे इसके सेम टू सेम ऐसा ही एक गोला क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद इसके नीचे भी कुछ इस तरह गोला क्रिएट कर देंगे और जो ऊपर वाला है शेप दिख रहा है इसको नीचे में कुछ ड्रॉप कर देंगे और इसको मूव टूल पे क्लिक करके इसको ऊपर में ड्रॉप करके कंट्रोल टी प्रेस करके इसको थोड़ा कुछ इतना पे एडजस्ट कर लेंगे ताकि जब इसमें सेकंड फोटो हम लगाएं तो मैनेज हमारा हो जाए। अब इसके अंदर हमको फोटो अटैच करना है। जो फोटो को अटैच करना है उस शेप में क्लिक करें। जैसे मैं इस वाला ऊपर वाला शेप में हमको फोटो अटैच करना है, इसके लेफ्ट क्लिक करेंगे और शेप वन पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा छोटा करके डबल क्लिक करेंगे। जिस फोटो को इसके अंदर लगाना है उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल पे क्लिक करके इसको कुछ इतना पर ड्रॉप करके नीचे में खींच देंगे। उसको कंट्रोल टी करेंगे, शिफ्ट दबाकर इसको बड़ा कर देंगे। सो देख सकते हैं कुछ इतना पे ये हमारा कर दिया। उसके बाद आप कुछ इतना पर सेव कर लिया, उसको एंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे, इसके अंदर ये फोटो लग जाएगा। अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कंट्रोल टी के थ्रू और कंट्रोल ई करके इसको दोनों लेयर को एक साथ मर्ज कर देंगे। सिकल लगाएंगे और कंट्रोल ई कर देंगे, दोनों लेयर एक साथ मर्ज हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाले शेप टू पे क्लिक करेंगे, नीचे वाला शेप सेलेक्ट हो जाएगा और इसको छोटा करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और जो हमको सेकंड वाला ये लगाना है फोटो तो इस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और मूव टूल पे क्लिक करके कुछ इसको उल्टी करके बड़ा कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, इसके अंदर ये फोटो लग जाएगा। लगने के बाद मूव टूल पे क्लिक करेंगे और इसको अपने हिसाब से सेटअप करें ताकि हमारा कितने में एडजस्ट हो रहा है। कंट्रोल टी करके कुछ इतना हम इसको सेट कर लिया, उसको एंटर प्रेस कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इतना पे लग के रेडी हो गया। और इसको नीचे ऊपर करना है, सेप पे क्लिक कीजिए और इसको नीचे में करना है कुछ इतना पे सेट कर लीजिए। अदरवाइज इसको ऊपर में करना है तो इसको कुछ इतना पे इसको सेटअप कर लीजिए। मर्जी आपकी है, जितना चाहे उतना इसको सेटअप कर सकते हैं। करने के बाद इसको दोनों को भी एक साथ अटैच कर दीजिए, सिकल लगाइए और कंट्रोल ई कर दीजिए, दोनों एक साथ अटैच हो जाएगा। जब दोनों अटैच हो जाएगा उसका जो फोटो लिया इसको हम कट कर देंगे क्योंकि इसका कोई आवश्यकता आपको हमको है नहीं, इसको हमको कट कर दिए। कट करने के बाद अब यहाँ पे आपको करना ही है कि इसमें स्टॉक लगाना है। स्टॉक लगाने के लिए जिस फोटो में को स्टॉक लगाना है उस फोटो पे क्लिक करेंगे और नीचे एफ वाला बटन दे रहा है इस पर क्लिक करके स्टॉक पे क्लिक कर देंगे। स्टॉक पे क्लिक करने के बाद नीचे से यहाँ से कुछ यहाँ पे देख सकते हैं रेड सब बॉर्डर यहाँ पे लग गया। सो इसको थोड़ा हम कुछ इतना पे जूम करेंगे, थोड़ा मोटा होगा। उसके बाद ऊपर ड्रॉप का यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ड्रॉप पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे में कुछ हिस्सा ड्रॉप करेंगे पूरा लेयर को। तो कुछ यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ब्लैक ब्लैक सा लग गया यहाँ पे। सो जितना चाहिए उतना एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका कलर चेंज करना हो तो इसका कलर चेंज करना हो तो इसका कलर आप यहाँ से ब्लैक है, अदरवाइज जो कलर चाहिए उस कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने इसको ब्लू कर दिया, इसको ओके कर दिया, फिर इसको भी ओके कर दिया। ऊपर वाला में लगाना है तो ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और एफ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, स्टॉक पर क्लिक करेंगे। सेम टू सेम जिस तरह नीचे हमने लगाया हुआ था उसी तरह ऊपर भी हम लोग इसको स्टॉक लगा देंगे और ऊपर ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, इसको हमने थोड़ा बड़ा कर देंगे, कुछ इतना पे एडजस्ट कर देंगे। इसमें ब्लैक ही रहने दे रहे हैं, इसको ओके कर दिया।
सो फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इतना पे दोनों बन के हमारा रेडी हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस हमको करना ही होगा कि यहाँ फोटो लगाना है। फोटो लगाने के लिए हम फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए इसको छोटा किए, डबल क्लिक किए, जो फोटो जाए इस फोटो पे क्लिक करके फोटो ले लेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज है। अगर आपके फोटो में बैकग्राउंड चेंज ना हो तो आप गूगल को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको सर्च कीजिएगा रिमूव बैकग्राउंड या रिमूव बीजी, जब सर्च कीजिएगा उसके बाद अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। जैसा भी आपका फोटो हो उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसका बैकग्राउंड खूब इजीली एक क्लिक में चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमको ये फोटो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको मूव टूल पे क्लिक करेंगे और इसको हम ड्रॉप करके यहाँ पे ला देंगे। लाने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको बड़ा कर देंगे। देख सकते हैं हमने कंट्रोल टी प्रेस करके इसको बड़ा कर दिया। उसके बाद इसको लेफ्ट क्लिक करके इसको हम थोड़ा कुछ इसमें मूव कर दे रहे हैं, इंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे हमारा फोटो लग गया। फोटो लगने के बाद इसके नेक्स्ट टेम्पलेट हमको लगाना है। इसके लिए छोटा करेंगे इस फोटो को, हो सकता नहीं तो इसको कट कर देंगे। डबल क्लिक किए और जैसे में ये हमको बैनर लगाना है, ये वाला टेम्पलेट को लगाना है। डबल क्लिक करके इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कुछ इतना पर मूव करके लाएंगे। और यहाँ पर लाने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा जूम करके बड़ा कर लेंगे। सबसे पहले हमने कुछ इतना बड़ा इसको जूम कर लिया। करने के बाद तो हमने कुछ इतना पे इसको सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर में यहाँ पे शो कर रहा है। इसके लिए जो यहाँ पे लेयर नंबर 3 जो ओपन हो गया, लेयर आपका ओपन ना हो तो विंडो बटन पे क्लिक करके लेयर को आप ओपन कर लीजिएगा। लेयर 3 पे क्लिक करके इसको नीचे में ड्रॉप करके लाएंगे। सो यहाँ पे इसके अंदर लग गया। अब इधर हमको लिखना है आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि हमको जब लिख देंगे तो हमारा बैनर बन के रेडी हो जाएगा। लिखने के लिए आपको टेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ आप लिखना है आपको, जैसे मैं आप जो राइटिंग से लिखना चाहे, हिंदी में लिखना है तो कुर्तिदेव 0110 से स्टार्ट कर सकते हैं या 010 से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, लिखने के लिए यहाँ लिख रहे हैं आप सभी को। एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको जो यहाँ पे एफ वाला बटन है, एफ वाला बटन में क्लिक करेंगे, स्टॉप पे क्लिक करेंगे और इसके पीछे हम स्टॉक को यहाँ पे लगा देंगे। जो जितना हमको जो कलर में स्टॉक चाहिए उस कलर को सिलेक्ट करें, जैसे मैं यहाँ पे व्हाइट स्टॉक लगा दे रहे हैं। इसको कुछ हम इतना पे मूव करके थोड़ा मोटा कर दिया और इसको ओके किए। जो यहाँ पे कलर है इस कलर को हम यहाँ पे ब्लू कर दे रहे हैं। सो कुछ इतना पे बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करके अगर छोटा बड़ा करना है इसको, अगर छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी प्रेस करके इसको छोटा बड़ा ऊपर नीचे इसको अपना एडजस्ट कर लीजिएगा जितना आपको चाहिए। जिसको जितना पे एडजस्ट करना है उतना एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद अब नीचे हमको टेम्पलेट की आवश्यकता पड़ेगी। जो टेम्पलेट के लिए इसको हम कट कर दे रहे हैं और डबल क्लिक करेंगे। जो आप डाउनलोड किए रहेंगे टेम्पलेट को, टेम्पलेट ले जाइए। जैसे फर्स्ट टेम्पलेट हम ले रहे हैं पे रक्षाबंधन, ठीक है। रक्षाबंधन के लिए मूव टूल पर क्लिक किए और इसको हम कुछ इतना पर ड्रॉप करके लाएंगे और इसको हम बड़ा करके जितना हमको एडजस्ट करना है, जहाँ सेट करना है इसको जगह पर अपना सेट कर लेंगे। सो फ्रेंड देख सकते हैं हमने कुछ इतना पे इसको सेट कर दिया। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। कलर देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज इसको कंट्रोल यू करके कलर को आप जो चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद इसके पीछे स्टॉक लगाना है, तो इसके लिए फिर एफ बटन पे क्लिक करेंगे, स्टॉक पे क्लिक करेंगे, उस कलर को सिलेक्ट कर लीजिएगा इसको और ओके कर दीजिए। जैसे मैं इसको हम इस कलर को हम सिलेक्ट कर लें, इसको ओके करेंगे और इसको जितना मोटा पतला आपको चाहिए उतना इसको एडजस्ट कर लिया। जैसे मैं कुछ इतना हम रख दिए, इसको ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर इसको छोटा करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, इसको हम कट कर दे रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे और ये वाला जो टेम्पलेट है इस टेम्पलेट को ले लेंगे। लेने के बाद अब हम करेंगे यही कि फर्स्ट टाइम जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्दिक, तो इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और इसको हम क्रैप कर लेंगे। क्रैप करने के बाद कुछ इतना पे इसको ड्रॉप करके ला देंगे और कंट्रोल टी करके इसको जहाँ हमको सेटअप करना है, जैसे यहाँ पर हम सेट कर ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं इसको, और एंटर प्रेस कर देंगे और मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे और इस मैजिक टूल पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल प्लस करके इसको बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इसके जो अंदर दिख रहा है शिफ्ट दबा के इसके अंदर भी सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि पूरा डिलीट हमारा हो जाए सही तरीका से। सो उसका डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पीछे का जितना भी बैकग्राउंड दिख रहा था सब डिलीट हो गया। उसको कंट्रोल डी कर देंगे और स्टॉप बटन पर क्लिक करेंगे
स्टॉक बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से इसके अंदर स्टॉक लगा देंगे। यहाँ पे रेड कलर को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं, रेड कलर लेने के बाद इसको ओके किया और जितना मोटा पतला चाहिए उसको रख लेंगे। उसके बाद इसको ओके करेंगे और कंट्रोल यू करके कलर अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज कलर इसको हम चेंज कर देंगे। उसके बाद इसको ओके कर देंगे, कंट्रोल माइनस करके फिर इसको हम छोटा कर ले। देख सकते हैं कितना मस्त यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो गया। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं और इसको यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो गया और इसको छोटा फिर करेंगे और नीचे यहाँ पे शुभकामना जो दिख रहा है इस शुभकामना के भी सिलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे और शुभकामनाएँ जो यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। सो शुभकामना को भी हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको मूव टूल पे क्लिक किया और कुछ इस तरह ड्रॉप करके लाएंगे। फिर से लाने के बाद इसको सबसे नीचे यहाँ पे खींच कर लाएंगे और मैजिक टूल पे क्लिक करके फिर से इसको कंट्रोल प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद इसको ऊपर ले जाकर इसको भी हम कुछ इस तरह जिस तरह हम ऊपर डिलीट किए हुए थे उसी तरह नीचे भी डिलीट कर देंगे। सो शिफ्ट बटन दबा कर नीचे ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर भी डिलीट हो जाए। और उसका डिलीट बटन दबा देंगे पूरा इसके अंदर देख सकते हैं पूरा फ्रेश हो गया। उसको कंट्रोल माइनस के थ्रू इसको छोटा कर देंगे। उसके बाद आपको स्टॉप बटन पर क्लिक करना है और जिस कलर से आप इसको सेव स्टॉक देना चाहते हैं, जैसे इसको रेड हम देना चाहते हैं, इसको थोड़ा मोटा कर दे रहे हैं कुछ इतना पे और इसको ओके किए। इसको देख सकते हैं नीचे यहाँ पे जो यहाँ पे छूट गया था इसके लिए भी इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ पे ताकि हमारा पूरा फ्रेश बन जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल यू करके शुभकामनाएं है इसको हम व्हाइट कर दे रहे हैं ताकि हम पूरा फ्रेश हो जाए। इसको ओके कर दिए। सो फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बैनर बन के रेडी हो गया। सो अब नीचे यहाँ पर नाम लिखना है, इसके लिए कंट्रोल प्लस कर रहे हैं हम। प्लस करने के बाद नीचे यहाँ पर नाम हम लिख दे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर सेव पर हम क्लिक किए और फर्स्ट वाले सेव को ले लिए और कुछ इतना हम सेप को सिलेक्ट कर दे रहे हैं इसके यहाँ पे और सबसे इसको ऊपर हम ले जा रहे हैं ड्रॉप करके। और यहाँ जो 100% है इसको हम कर दे रहे हैं 30 से 20%। और इसका जो कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर भी हम चेंज करके रेड कर दे रहे हैं। इसको ओके कर दिए। ओके करने के बाद पीछे वाला हल्का हल्का दिखाई दे देना स्टार्ट हो गया और एंटर प्रेस कर देंगे डबल तो ये फ्रेश भी हो जाएगा। और टेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इंग्लिश राइटिंग ले लेंगे ताकि हमारे को ताकि हमको इंग्लिश में लिखना है और भाई कुंदन राज लिखते रहे यहाँ पे कुंदन राज। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा कंट्रोल ए करके और जो यहाँ पे साइज है साइज को छोटा करके दे रहे हैं, इसको 30 साइज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इतना पे हमारा बन के रेडी हो गया। उसके बाद छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इंटर दबा कर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको कुछ इतना पे हम मूव करके छोटा कर देंगे और इसको थोड़ा नीचे में ड्रॉप कर देंगे। जब ये बन जाएगा इसके अंदर स्टॉक लगाने के लिए फिर ए फॉलो बटन पर स्टॉक पर क्लिक करेंगे और जो स्टॉक लगाना है उस कलर को सिलेक्ट करके जैसे मैं व्हाइट इसमें हम सिलेक्ट करके स्टॉक को ऐड कर दे रहे हैं, थोड़ा मोटा इसको कर दे रहे हैं, थोड़ा इसको मोटा हम कलर चेंज करना है तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका कलर को भी चेंज हम कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इतना पे हमारा बन के बैनर रेडी हो गया खूब जल्दीबाजी में। सो फ्रेंड्स इस प्रकार खूब आसानी से आप किसी भी बैनर को डिजाइनिंग कर सकते हैं खूब ईजिली। तो जितना टेम्पलेट चाहिए हमारे फर्स्ट चैनल कुंदन टेक्निकल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से अब उसके बाद आप बैनर को डिजाइनिंग कर सकते हैं। सब्सक्राइब नीचे कमेंट कर दे नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सो इस तरह नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। जय हिंद, बाय बाय।